हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है डिस्प्ले साइज सेटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिस्प्ले साइज सेटिंग जो है चेंज होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके अगले पेज में आपको ना सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का, इसे आपको सिलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, इसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा डिस्प्ले साइज का, ठीक है। डिस्प्ले साइज में आपको ना नीचे ये जो ब्लू कलर की लाइन दे रखी ना, इस लाइन का आपको यूज करना है। इस पॉइंटर को आपको जो है ना आगे या पीछे आप कर सकते हैं, माइनस के बटन से आप पीछे कर सकते हैं, प्लस के बटन से आप इसे आगे कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसे जो है लाइन के ऊपर डायरेक्ट टैप करके एक बार दबा आप इसे जो आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं इसे पीछे करता हूं, ये देखिए ये पॉइंटर पीछे आ गया, तो डिस्प्ले साइज थोड़ी सी छोटी हो गई है। अब मैं और पीछे करता हूं तो और भी ज्यादा छोटी हो गई है। अब मैं इसे और भी पीछे करता हूं तो यहां पे देखिए स्मॉल पे यहां पे पॉइंटर आ गया, ठीक है, स्मॉल पे आ गया और डिस्प्ले साइज काफी ज्यादा छोटी हो गई है। अगर दोस्तों आप इस सेटिंग में कुछ भी चेंजेस करेंगे ना, तो आपके पूरे मोबाइल सिस्टम पे सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये मेरे बैक पेज पे भी देखिए ये डिस्प्ले साइज छोटी हो चुकी है ना। अब यहाँ पर देखिए मैं अगले पेज में अब इसे जो है दोबारा से डिस्प्ले साइज को बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरी डिस्प्ले साइज बड़ी हो गई है और ये देखिए बैक पेज पे भी डिस्प्ले साइज बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना डिस्प्ले साइज आप इस तरीके से आप छोटी या बड़ी कर सकते हैं अपने फोन की, ठीक है, इस सेटिंग के जरिए। तो ये सेटिंग ऐसे काम करती है आपकी, ठीक है। अब मैं आपको इस डिस्प्ले साइज सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके फोन में। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का आपको ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, ठीक है। फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज टाइप करेंगे ना तो आपको नीचे की साइड ये फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसे आपको जो है ना सेलेक्ट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में आपको लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। इस सेटिंग को आप एक बार दबाएंगे तो आपको अगले पेज में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।